हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो दोस्तों, अभी मैं जिस जगह पे आया हूँ, ये जगह का नाम है अल्हम्ब्रा हेरिटेज विलेज, जो कि एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है। इसकी हिस्ट्री जो है वो 100 साल पुरानी है। तो दोस्तों, जब गल्फ़ कंट्री में ऑयल की खोज नहीं हुई थी ना, उससे पहले का ये विलेज है। उससे पहले यहाँ पे लोग रहते थे, और यहाँ पे जो लोग रहते थे वो 1938 में यानी 1938 में ये जगह छोड़ करके ये चले गए, कहीं और चले गए। तब से ये जगह है पूरी तरह से वीरान पड़ी हुई है और यहाँ पे कोई नहीं रहता है। ऐसा लोग बताते हैं कि इस जगह पे मतलब लोग दिन में भी आने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, दिन में भी लोग नहीं आना चाहते हैं। मतलब बहुत डरावनी जगह है और यहाँ पे घोस्ट रहते हैं, यानी भूत, जिन्नात, शैतान वगैरह यहाँ पे रहते हैं। तो दोस्तों, मैंने ये सोचा कि क्यों ना इस जगह को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया जाए। तो फाइनली मैं यहाँ पे इस जगह पे आ गया हूँ और यहाँ वाकई मैं एक्सपीरियंस करने वाला हूँ कि क्या डर लगता है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे वाकई डर लगता है क्या, मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो में मतलब इसके बारे में मतलब पूरी तरह से एकदम जेन्युइन जानकारी आपको दूंगा। मतलब क्या है, मतलब इसके बारे में लोग क्या कहते हैं और इसकी रियल हिस्ट्री क्या है, मतलब रियलिटी क्या है इसका, आपको इस वीडियो में इसके बारे में मैं ज़रूर बताऊंगा। और दोस्तों, मैं अभी ज़्यादा अंदर नहीं गया हूं, अभी बाहर ही हूं, मैं ज़्यादा अंदर नहीं आया हूं। तो मुझे भी मतलब अभी तो ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा कुछ अभी डर नहीं लग रहा है, लेकिन अंदर चलता हूं और आपको एक एक चीज़ दिखाता हूं। तो दोस्तों, अभी एक ये इमारत देख सकते हैं, ये बिल्डिंग देख सकते हैं, इसमें ये पूरी तरह से मतलब टूटी पड़ी है और पुरानी है, पूरी तरह से पुरानी हो गई है बिल्डिंग, टूटी हुई है। और इसमें मैं अंदर चलता हूँ, अंदर का भी दिखाने की कोशिश करता हूँ इसमें क्या है। और ये देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे कुछ गद्दे वगैरह भी पड़े हुए हैं। ये खिड़की पूरी तरह से टूटी पड़ी है और ये छत देख सकते हैं, छत ये ऊपर लकड़ी है। दोस्तों, यहाँ पे लोग हैं जो हैं वो 1938 में भी उसी टाइम ये जगह को छोड़ करके चले गए थे। तो उस टाइम भी इलेक्ट्रिसिटी थी क्या? ये देखिए, ये मतलब पूरा कनेक्शन इसमें दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का। और ये एक छोटा सा रूम कुछ है, इसको भी की क्या है भाई, ये बाथरूम है, टॉयलेट है, ये कुछ ऐसा ये देख सकते हैं। और ये जगह, ये बाहर मतलब कुछ ऐसा नज़र आएगा आपको। ये अभी मतलब गेट पे ही हूँ मैं, ज़्यादा अंदर नहीं गया हूँ। और एक ये बिल्डिंग पड़ी हुई है, इसके अंदर का मैं दिखाता हूँ कुछ आपको। तो चलता हूँ भाई, जाने की तो जगह नहीं है, ये पूरी तरह से बंद है, यहाँ पे तो कोई रहता नहीं है इसलिए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको हर चीज़ दिखाने का। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये लकड़ियों के मतलब ये लगाए हुए हैं ऊपर रूफ में, ये कुछ इस तरह का है। ये देखिए, ये घर वगैरह, इसमें ये पूरे कांटे वाले ये कुछ पौधे रखे हुए हैं, इसके अंदर पता नहीं क्या है। इसके अंदर देखिए भाई, इसमें छोटा सा घर भी है अंदर, इसके अंदर ये देखिए। और ये एक छोटा सा टॉयलेट भी है इसमें शायद, ये देखिए। और ये भी रूम है कुछ ऐसा, ये इस तरह का, इसमें पता नहीं ये पेड़ के पौधे काट काट के रखे हुए हैं, क्यों रखे हुए हैं पता नहीं, ये देख सकते हैं आप। और एक ये सामने आप एक और मकान देख सकते हैं, इसके अंदर भी चलता हूँ, इसके अंदर भी देखता हूँ क्या है। तो दोस्तों, वीडियो पे आप बने रहिएगा, आपको एक एक चीज़ दिखाने वाला हूँ यहाँ के बारे में। ये देखिए, तो दोस्तों मुझे भी मतलब थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है यार, कुछ अजीब सा, आप देख सकते हैं, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है यार। ये देखिए, ये पूरी तरह से पूरा जर्जर हालत में है, ये देखिए। ये शायद ये बाथरूम है, घर के अंदर में ही बाथरूम बना हुआ है। इसको देखते हैं ये क्या है। ये टॉयलेट बना हुआ है छोटा सा। तो दोस्तों, मुझे नहीं लगता है इधर कोई आता है, ये आप देख सकते हैं थोड़ी भी जगह नहीं है निकलने की। और ये कांटेदार ये पौधे ये सारे, मैं तो जूता पहन के आया हूँ,
चप्पल होता तो ये सीधे अंदर चले जाते कांटे। तो दोस्तों हमें भी थोड़ा मतलब कुछ एहसास हो रहा है क्योंकि पूरा सुनसान है पूरी तरह से, और मतलब बहुत ही अजीब लग रहा है। लेकिन उस ज़माने में यानी 80 साल पहले लोग यहाँ पे रहते थे, तब से ये वीरान पड़ा हुआ है। और उस टाइम भी जब रहते थे यार, लगता है ऐसा कि मतलब उनकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी थी, मतलब पैसे वाले थे, ठीक ठाक थे उस टाइम भी। क्योंकि ये बिल्डिंग जो बनी हुई है सारा मतलब सब कुछ इसमें है, सारी फैसिलिटीज़ है इसमें, जो कि मतलब यही पता चलता है कि यार उस टाइम भी गरीबी नहीं होगी इनकी, अच्छे खासे मतलब ऐशो आराम से रहते होंगे। तो दोस्तों अभी मैं जिस लोकेशन पे आ गया हूँ, आप ये देखिए, इधर का मैं दिखाता हूँ आपका, ये यहाँ का एक छोटा सा सेंटर है, यहाँ से मतलब कुछ आपको व्यू नज़र आएगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। और ऐसा बताते हैं कि यहाँ पे मतलब 4000 से ज़्यादा लोग रहते थे इस जगह पे, पूरे 4000 से ज़्यादा लोग रहते थे, और ये फिशिंग करते थे उस टाइम में। और अब मैं दोस्तों इस मकान के अंदर चलता हूँ, इसमें देखता हूँ कि इसमें क्या है। इसमें कोई कभी आता ही नहीं है लगता है। ये देखिए भाई, ये देख सकते हैं, और ये पता नहीं क्या है भाई, ये लकड़ी है यार, शायद खजूर की लकड़ी है ये। इसमें पत्थर और लकड़ी, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, ये सही से मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन हाँ ऐसा है, ईंट तो नहीं है ये। आप ये देखिए, ये समंदर में ये जो होते हैं ना शिप, वो और ये रेत और बहुत सारे मतलब कुछ लगा करके ये बनाए गए हैं, जो कि ये ईंट पूरी तरह से नहीं है ये। और ये मैं और अंदर जाता हूँ, आप ये देख सकते हैं कितनी बड़ी हवेली टाइप नज़र आ रही है ये। मतलब उस टाइम जिस बंदे का घर होगा, शान शौकत से रहता होगा, पूरी ठाट बाट से। ये देखिए, ये देख सकते हैं, ये जगह कुछ ऐसी है। तो दोस्तों वीडियो अगर लंबी हो थोड़ा सा तो माफ़ करना, क्योंकि अभी बहुत कुछ है दिखाने के लिए इसमें, अभी तो ये स्टार्टिंग है। ये देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों, इसमें लकड़ी है और पत्थर वगैरह हैं, ये छत में कुछ ऐसे लगा के बना हुआ है, और ये शायद खजूर के पत्ते भी हैं इसमें। और यहाँ पे ये देखिए, ये कितना बड़ा एरिया है, ये पूरी तरह से टूटा पड़ा हुआ है। मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा है यार यहाँ पे, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा है दोस्तों। और भाई मैं अकेला आया हूँ यहाँ पे, टैक्सी करके, टैक्सी वाला चला गया और मैं यहाँ पे अकेला आया हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। और ये पूरा सुनसान जंगल में, ये वीरान जगह पे मैं ही हूँ और कोई नहीं है यहाँ पे, डर भी लग रहा है। ये एक छोटा सा घर यार, ये देख सकते हैं, ये सारे ये लकड़ी जो है ना, ये सब कांट है, ये पूरे पैर में मेरे चुभ गए हैं भाई। ये देखो, ये देखो भाई, इतना बड़ा, ये तो सीधे पैर में चला जाता है। अच्छा हुआ शूज़ पहन के आया हूँ, वरना मेरा तो इरादा था चप्पल पहन के आने का। और ये देखिए दोस्तों, इधर का कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, ये दोस्तों, ये ऐसी जगह है यहाँ पे वाकई कोई नहीं आना चाहता है, इधर कोई आके क्या करेगा यार, डर लगता है, इधर सबको डर लगता है, लेकिन मुझे तो डर नहीं लग रहा है यार। ऐसा लग रहा है कि वीडियो में आप मेरे साथ बने हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं, मुझे मज़ा आ रहा है। वरना इन सब चीज़ों से यार डर तो मुझे भी बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन अभी पता नहीं क्यों मुझे थोड़ी सी हिम्मत आ रही है। यहाँ पे यार ये जगह ऐसी है ना कि मुझे लगता है यार यहाँ पे हॉरर मूवी बहुत ही ज़बरदस्त शूट हो सकती है यार, इतनी मतलब इतनी ज़्यादा जगह है, कम नहीं है जगह। ये देखिए दोस्तों, मैं इसके अंदर चलता हूँ यार। यहाँ पे तो पेड़, ये जो आपको दिख रहे हैं ना दोस्तों, ये नॉर्मल पेड़ नहीं है, इसमें उंगली भर भर के कांटे हैं इसमें,
देखिए ये देख सकते हैं भाई, अरे बाप रे, ये देखिए तो मैं इधर जाने की कोशिश करता हूँ, ये देखते हैं क्या है। भाई साहब, और ये कि ये मकान है, इसके अंदर चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या है। ये देखिए यहाँ पे ये कुछ ऐसा है, ये पूरी तरह से, ये जितने मकान है ना ये सारे पत्थर हैं भाई, ईंट नहीं है, पत्थर और मिट्टी और मतलब पता नहीं क्या क्या लगा करके ये बनाया गया है। ये देखिए ये है यार कुछ, ये पत्थर है भाई, ये पत्थर ही है। ये देखिए पूरी कॉलोनी ऐसे ही पड़ी हुई है यार। ये देखिए ये एक लाइन से पूरे घर हैं यहाँ पे। एक ये है घर, इतने बड़े बड़े घर बनाए हुए हैं यार उस टाइम में भी। मैं तो सुनता था 50 साल पहले यहाँ पे ये एमिरेट्स में कुछ भी नहीं था, बकरियाँ चराया करते थे, खजूर खाते थे, ऐसे ही ज़िंदगी बसर करते थे। लेकिन ये इनके घर वगैरह तो देख करके लगता है कि यार उस टाइम भी रईसी वाली ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, इतने बड़े बड़े घर ये हैं इनके। ये देखिए ये एक है, एक कमरा ये है इधर छोटा सा। ये देखिए भाई साहब ये दरवाजे की हालत देखिए, ये देखिए ये खंडहर पूरी तरह से, ये पूरा ऐसे ही है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और सेकंड वीडियो में इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप सेकंड वीडियो में ज़रूर विजिट करें, आप सेकंड वीडियो ज़रूर देखें, उसमें आपको कंप्लीट स्टोरी मिल जाएगी आपको। क्योंकि ये वाकई ये मतलब यहाँ पे भूत रहते हैं, घोस्ट रहते हैं, जिन्नात शैतान रहते हैं या नहीं रहते हैं, कि ये झूठी बात है, ये कहाँ सुनी वाली बात है, मतलब उस वीडियो में, सेकेंड वीडियो में आपको पूरी कम्प्लीट जानकारी इसके बारे में मैं दे दूँगा।